इस टाइम हम लोग कारपो में घूम रहे हैं गीगा मॉल। आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? आप तो फर्स्ट टाइम आई है यहाँ पे। अच्छा लगा है। चले हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों की शॉपिंग की है, तो वो शॉपिंग मैं फिर आपको आगे जाके दिखाऊंगा। फिलहाल जो है ना हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, इसमें घूम लेते हैं फिर आगे चलेंगे। हमारे पास बहुत टाइम है ना, बहुत टाइम है। स्कून से हम लोगों ने घूमना है। आ जाओ जी। क्या फरमाया आपने? इधर से क्या लेके दूंगा? कुछ भी नहीं, चुपचाप ऊपर चलो। इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना बेटा, इधर नहीं देखना, काम खराब हो जाएगा। ऊपर ऊपर। नहीं नहीं नहीं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, नहीं भाई ये तो बहुत थोड़ा मांगा है तुमने। हाँ इतना इतना थोड़ा क्यों यार, कुछ ज्यादा ही मांगती। ये भी झूले वाले से। तो गाइस अभी ऊपर हम जाते हैं और ऊपर का माहौल आपको दिखाते हैं। खैर मेरे व्लॉग में तो आपने काफी दफा देखा होगा, सनिया के व्लॉग में काम देखेंगे। और गाइस नीचे का कुछ ये व्यू है, आप देखें। इधर आके ना फिर ऐसे लगता है जैसे आप लोग दुबई या सऊदी के मॉल में आए हो। ऊपर ये और नीचे का लुक ये। खजूर लगे हुए हैं, खजूर खाने तो आप खा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ स्टाइलो भी है, और स्टाइलो के अलावा टॉय क्लब भी है। अगर आपने टॉयज वगैरह देखने वो भी दे सकते हैं। सारा इंजॉयमेंट है, सुकून से घूम। तो गाइस ये बहुत छोटे छोटे टॉयज हैं यहाँ पे, आप देखें कितना छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा है ना। वो सामने वाला तो इसका भी बाप है, ये देखें। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये देखें आप, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे टॉयज इन्होंने रखे हुए हैं ताकि आप सुकून से देखें। ये गीगा मॉल के अंदर टॉय क्लब है, तो इससे बहुत छोटे छोटे टॉयज हैं। अगर आपने देखने तो आके सबसे बिल्कुल, ये तो बहुत छोटे हैं, ये वाले देखें आप। चलो बहुत छोटे छोटे टॉयज हैं यार। मुझे तो ये कैट बहुत पसंद है, ये कैट है, शेर है, जो भी है, लेकिन आप देखें कितना प्यारा है। चले गाइस यहाँ से हमने जो है ना पिज़्ज़ा पास्ता से हमने जो है ना अपना बर्गर लिए, तो क्योंकि तो शाम के 5 बज रहे हैं, भूख लग गई थी, तो मैंने कहा जरा इसको जो है ना पेट पूजा की जाए। साथ में कोल्ड ड्रिंक है और यहाँ पे हम लोग जो है ना इंजॉय कर रहे हैं और गीगा मॉल में बैठ के। तो मैं गीगा मॉल अभी तक तो तुमने पूरा नहीं देखा, लेकिन कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अच्छा शुक्र है, तुम्हें अच्छा तो लगा यहाँ। वैसे गीगा मॉल तो इस्लामाबाद की जान, हर चीज़ मिल सकती है, हकीकत है। तो गाइस गीगा मॉल में यहाँ मोटू पतलू भी घूम रहे हैं। इधर एक कार को आपको नजर नहीं आएगा, ये मोटू के सामने भी भाई साहब आके खड़े हो गए, सॉरी पतलू के सामने। चले जी यहाँ से हमजा, फादिया, दुआ, मीत, इन सब की शॉपिंग कर ली है। अब जो है ना हम लोग थोड़ा और घूमते हैं। ये देखो यार, ओ भाई साहब, ठीक है। तो अभी हाँ ऊपर भी खड़े हुए हैं, देखे। बस अभी आगे घूमते फिरते हैं, प्ले एरिया में जाना खेल लेना थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा राइट ले लो, फिर चलते हैं। खेलने? नहीं खेल नहीं बोलना, मुझसे पूछा नहीं था। चलो जी देखो जी, मैंने तो इससे आके पूछा है, मैंने कहा अगर खेलना है तो तुम खेल लो, बोलती है नहीं मैं टिकट दे दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ वो सिंध बार है। तो देखो जी यहाँ पे जो है ना लड़ाई चल रही है आइसक्रीम पे। हम लोगों ने शॉपिंग तो कोई नहीं करनी, लेकिन वैसे घूम ही जा रहे हैं। निशात है, आउटफिटर है, बुरजान है, और ये चीज़ चेक करें आप। फिलहाल घूम ही जा रहे हैं कि देखते हैं। हाँ भाई मज़ा आया? कितना मज़ा आ रहा है, बग़ैर दिमाग के औरतें भी खड़ी हुई हैं, आउटफिटर भी अच्छा है, और बुरजान के साथ आगे भी जो है ना बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं। खैर हम लोग तो सिर्फ घूम ही रहे हैं भाई, टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 8:30 बजे की टिकट है इस वजह से। ये बीच वाली दुआ है, ये फादिया है, ये कौन है? अच्छा चलो ये उनके दोस्त होगी, ये हानिया है। तो ये तीनों खड़े होंगे, ठीक हो गए। तो गाइज यहाँ पे यूके की जो है ना बस आ गई है, लोग इस बच्चे इस पे इंजॉय कर रहे हैं, ये देखें। तो आपने भी अगर इंजॉय करना तो इस पर बैठ सकते हैं, लेकिन ये बड़े बच्चों के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ थक गए थे, तो मैंने कहा कि 6 भी बज गए, अभी भी 2 घंटे हैं, मैंने कहा थोड़ा सा स्टे कर लें, 2 भी नहीं 3 घंटे हैं, तो थोड़ी देर बैठ के फिर जाएंगे। ये जी चले जी यहाँ पे हम लोग गए थे थक, और यहाँ पे स्टे किया हुआ है। ये तो अपना व्लॉग एडिट करने के चक्कर में आ चत के एडिट कर भी लिया। सलाम है यार तुम्हें, सलाम है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन इंसान को इतना भी वो नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं नहीं कर दो कर दो कर दो, बस 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 कर दो कर दो कर दो, कुछ नहीं होता, कोई कयामत नहीं आ रही। तुम अपना व्लॉग एडिट करो, और हम लोग यहाँ फिलहाल अभी बैठे हुए हैं कि चलो थोड़ी सी थकावट दूर हो जाए, उसके बाद जो है ना हम लोग आगे निकलेंगे। गाइस मैं यहाँ बैठ कर ना पुंडी कर रही हूँ, लोगों के जूते देख रही हूँ, कपड़े देख रही हूँ
चीजें कर रही हूँ और कुछ नहीं। सही है भाई, ठीक है। और यहाँ पे सामने शॉल वाल शॉप है, फैशन देख रही है। सामने शॉल्स बहुत प्यारी हैं, वो मुझे बुला रही हैं, लेकिन हस्बैंड ने धक्के से पकड़ के बिठाया हुआ है। अच्छा, ये इतनी प्यारी है। सही बात है, इतने प्यारे प्यारे दुपट्टे हैं। तो कुंदन के खुद से आएंगे, आपको क्या क्या दिखाऊं, कौन सा बताऊं। चलो चलें जी, हम लोग फैजाबाद पहुँच गए हैं, रात के 8:30 हो गए हैं। और ये हमारी कैनाट ट्रैवल है जिस पे हम लोग सफ़र कर रहे हैं। इसमें यूएसबी चार्जर है, एक्स्ट्रा लार्ज रेस्ट है, अच्छा स्मार्ट टीवी है, फूड है और वाईफाई है, सारा कुछ है इसके अंदर। अभी चल के बैठे हम लोग इस पे, फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना गाड़ी में बैठ गए हैं, तो अभी चलते हैं। मैं सफ़र की तरफ, दुआ कीजिएगा कि हमारा सफ़र अच्छा गुजरे, और बिज़नेस क्लास सीट है तो इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छा गुजरेगा। चलें जी, हमारी गाड़ी आ गई है और अभी हम लोग जो है ना निकल रहे हैं यहाँ से। दुआ कीजिएगा कि हमारा सफ़र आगे का अच्छा गुजरे, बाकी जो भी रूटीन होगी फिर आपके साथ वक्तन बवक्तन शेयर करते रहेंगे। चलें जी, इस टाइम जो है ना सुबह के 5:15 हो रहे हैं और हम लोग पहुँचे हैं मुल्तान चाशम्स। उसके बाद जो है ना कैनात वालों की सर्विस बहुत अच्छी है और इनका जो क्या कहते हैं बिज़नेस है उसकी तो कुछ अलग ही रूटीन है कि बिज़नेस वालों को अलग जो है ना सुबह का ब्रेकफास्ट करवाया जाता है। फैसल मोर का तो मुझे नहीं पता, और हम लोग ज़्यादातर ट्रेन का ही सफ़र करते हैं, लेकिन ये कि इनका जो है ना अलग ही रूटीन है। इन्होंने जो है ना जो पीछे लोकल होती हैं उनके लिए अलग खाने का सिस्टम बनाया हुआ है, और जो बिज़नेस है उनके लिए अलग। लेकिन फैसल मोर वालों का भी शायद जो है ना एक ही जगह पर बैठ के आप खाना खाओ बिज़नेस में, लेकिन इधर जो है ना इनका डिफरेंट है। अभी देखने के इधर डिफरेंट में इनके खाने सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या है। तो आप भी कैनात का जो है ना इस्लामाबाद से कराची का सफ़र कीजिएगा और एक्सपीरियंस बताएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जो बिज़नेस क्लास में रहते हैं उनके लिए एसी वाला हाल होता है ब्रेकफास्ट के लिए, और जो लोकल है उनके लिए एसी वाला नहीं है, दूसरा होगा। खैर वो मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन इनकी सर्विस अच्छी है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इनके सर्विस लिए तो है, सर्विस इनकी अच्छी लगी है मुझे। चलें जी, ये हमारा सुबह का नाश्ता है, अंडा छोले और बड़े प्रोटोकॉल के साथ। और ये वसेब होटल है, इस पर हम लोग पहले भी आ चुके हैं लेकिन मुझे याद नहीं था। अब जो है क्योंकि मैं नींद में था उठा हुआ, तो अभी बाहर जा के मैं आपको सारी डिटेल बाद में बताऊँगा। लेकिन वी आई पी में चलो ठीक है। चलें जी, ये मुल्तान की जो है ना वसेब होटल है जिसपे हम लोग जो है ना पहले भी खाना खा चुके हैं, और जो है ना ये तकरीबन काफ़ी पहले हम लोग यहाँ खाना खाया था, और मुझे याद नहीं था, सनिया को याद आ गया कि ये वो होटल है जिसपे हमने पहले भी खाना खाया। तो मैंने कहा चलो गुड हो गया, इनके जो है ना खाना बहुत अच्छा होता है वसेब होटल का मुल्तान में, और इनकी चाय बहुत अच्छी थी जो हमें बहुत पसंद आई है, बहुत बहुत ज़्यादा। सुबह के जो है ना अभी 6:45 बजने वाले हैं, शायद 6 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद जो है ना आगे का सफ़र जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे वक्तन भी वक्तन। हाँ भाई, मज़ा आया नाश्ता करके, चाय अच्छी थी, मुझे चाय बहुत अच्छी लगी। चलो आ जाओ फिर, हाय हाय ये भी हो अच्छा, चलो जी ठीक हो गया जी। चलो ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और वो देखें वो लिखा हुआ है वसेब रेस्टोरेंट। और मुल्तान का जो है ना कुछ ये व्यू हो रहा है सुबह सुबह का, अच्छा ही है मौसम, इतना गर्मी नहीं है। वैसे जैसे बोलते हैं ना मुल्तान में गर्मी है, है नहीं, सुबह का टाइम है अभी, ये तो है, ये भी बात सही है, सुबह का टाइम है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम लोग इधर आए थे उस टाइम हम अपनी गाड़ी पर आए थे, अब जो है ना हम किराए की गाड़ी पर। चलो ठीक हो गया जी, लेकिन मौसम अच्छा हुआ है माशाल्लाह से। हमारी गाड़ी ये है कैनाट ट्रैवल्स। चलें गाइस, ये सामान इससे उतारा जा रहा है क्योंकि ये सामान जो है ना इधर का था, और अभी पैसेंजर वगैरह बैठ रहे हैं, उसके बाद हम लोग भी बैठेंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट वाली सीटें हैं। ये देखो ये खाली हुआ है सारा बैग, और दूसरे में ये इसमें सारा सामान ले के आए थे, तो अभी बस बैठते हैं हम लोग, अभी वेट कर रहे हैं कि सारे पैसेंजर बैठ जाएं, उसके बाद हम लोग जाके बैठे। चलें गाइस, इस टाइम हम लोग जो है ना रोड़ी पहुंच गए हैं, और सुबह के
10:15 हो रहे हैं, तो जो है ना यहाँ पे हमारा ये स्टे जो है ना 10 मिनट का है, उसके बाद जो है ना हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो गाड़ी वाले ने बस बोला है कि 10 मिनट रुकें और 10 मिनट के बाद हम लोग आगे चल जाएंगे, लेकिन मुसलसल बारिश हमें मिली है रास्ते में और 4-5 बजे हम लोग जो है ना इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। मौसम देखें लाजवाब हुआ हुआ है, खुशगवार और हल्की हल्की अभी अभी भी बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो जो है ना मौसम इंजॉय करें और उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। हल्की हल्की बारिश, पहले भी शायद बारिश होती रही है काफ़ी देर पहले, और अभी यहाँ से गुजरी है पाकिस्तान एक्सप्रेस। ओए होए चक दे फटे उस्ताद जी, पीछे खजूरों के दरख्त हैं, आप ये चीज़ चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो सो गया था पीछे, बारिश कितना रास्ता हो शुरू से होती आई है मुल्तान से आगे। अच्छा बारिश मिलती आई है भाई मुल्तान से, पीछे जो आगे पीछे बारिश चलती हुई आ रही है, और हम लोग भी बारिश को इंजॉय कर रहे हैं अभी बाहर खड़े होके। कुछ लेना है तुमने, जूस वगैरह कुछ? कुछ शॉप है सामने। हाँ भाई ये सीन में बारिश है, पूरा रास्ता में बारिश मिलती हुई आई है मुल्तान से। और ये देखें हम लोग कहाँ पहुँचे, मोरो पहुँचे, मोरो है या थोड़ा सा आगे, लेकिन ये पूरा रास्ता ऐसे बारिश में ना धुएं उड़ा दी, बहुत ज़्यादा सीन में बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। अच्छा भाई कैनात वालों ने हमें कोई जो है ना क्या कहते हैं रिश्वत नहीं दी हुई, वैसे इनकी सर्विस के मुताबिक बता रहा हूँ कि सुबह का नाश्ता भी बहुत अच्छा था मुल्तान रसेब पर करवाया, दोपहर का जो है ना खाना हमें इन्होंने मोरो में खिलाया, यहाँ पे भी खाना बहुत अच्छा था, दो खाने देते हैं, उसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं चाय भी इनकी बहुत अच्छी थी, और साथ साथ सर्विस भी बहुत अच्छी है, और बारिश भी हसीन मौसम है, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है। बस अभी जो है ना हम लोग वेट कर रहे हैं, अंदर जाते हैं और फिर गाड़ी निकलेगी, तकरीबन 1:15 हो रहा है, तो बस यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद फिर आगे की गपेश पे लगाएंगे आपके साथ। अनिया तो चली गई है गाड़ी में भाग के। चलें जी, मोरो से आगे जो है ना बारिश रुक गई थी, ठीक है, फिर हैदराबाद तक बिल्कुल नहीं हुई, और अब जो है ना हैदराबाद जैसे क्रॉस किया है तो आप देखें कि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, सबसे भी ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बस अल्लाह हर किसी को अपने जुमान में रखे जो मुसाफिर हैं सफ़र कर रहे हैं और उनको अपने टाइम पर पहुँचाए, ये चीज़ सकते हैं। चलें जी कराची पहुँचते ही ये लहरें जो है ना हमें इस्तकबाल कर रही हैं, क्योंकि कराची में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। इस टाइम हम लोग ताज कॉम्प्लेक्स से सीधा जा रहे हैं गुजरी, ये आप देख रहे हैं कितना पानी जमा हुआ है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना कराची पहुँच गए, और कराची पहुँचते ही ये मैं हमजा के लिए लाया था, उसके लिए गिफ्ट था, ठीक है जी, क्योंकि उसको गेम खेलने का बड़ा शौक़ है, और ये लाया था मीर के लिए। अब जो भी घर पे जिसको जो पसंद आ जाए, लेकिन ये मीर के लिए ठीक है, वो बच्चा है, और ये हमजा के लिए ठीक है, बाकी दोनों भाई हैं उनकी मर्ज़ी चेंज कर लें तो कर लें, वरना तो दोनों के लिए अच्छा है। ये मैं हमजा के लिए गेम लाया था, लेकिन ये गेम बहुत मुश्किल है, हमजा का काम भी नहीं है कि इसको पूरा कर सके। जब तुम इसको पूरा कर लोगे ना, फिर मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम जो है ना बाकी बड़े खिलाड़ी हो। करके दिखा, हाँ एक दफ़ा तो करके तो दिखा, पता चल जाएगा। अभी ये जा रहा है इसको पूरा करने के लिए, देखते हैं करके आता है कि नहीं। ये गेम बहुत मुश्किल है, और घर की कुछ ये रूटीन बनी हुई है, बच्चे नहीं हैं तो उसकी वजह से जो है ना घर खाली खाली है, वरना टेंट वूँ होती रहती है कहीं ना कहीं से। बस ये भी ठीक हो गया, बिरयानी खा ला है, इसके लिए गाड़ियाँ लाया था, गाड़ी अच्छी थी ना मीरू की, है ना मीरू? बाहर क्या था, क्या कर लें कैचे? हाँ वाह, मेरे को भूख लगी हुई थी। चलें जी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमारे जो है ना इस टाइम लाइट चली गई है, जिसकी वजह से जो है ना देखें उस तरफ लाइट है, आगे पीछे है, लेकिन इस तरफ हमारी स्ट्रीट की तरफ चली गई है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग जो है ना कराची पहुंच गए थे, और क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर भी सेफ था, क्योंकि नैना जो है ना चक्कर लगाती रही है, उसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं हमज़ा और
मीर के लिए जो छोटा सा गिफ्ट लाया था वो भी मैं हमको दे आया था, घर भी चक्कर लगा के आया था क्योंकि मैंने कहा घर को भी देख के आए कि घर कैसा है, तो वो भी चक्कर लगा के आया था मैं। उसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं गाइस, दो तीन दिन से ना, तीन चार दिन से मुसलसल जो है ना पंजाब में बारिश हो रही है, तो जो है ना वहाँ पे आज मैं असल में पहले मैं भी नुमाइंदा था, तो सब जो है ना अखबार वालों ने वो लगाया हुआ था क्योंकि जिस जिस इलाके में आप होते हो तो उनको फॉलो किया होता है ना दोस्तों को, तो उन्होंने जो है लगाया हुआ था कि भाई 24-48 घंटे से लाइट नहीं है। तो मैं सिर्फ, मुझे और कुछ नहीं है, मैं भी पहुँच गया हूँ। वैसे फादिया का भी वो करवाना है, एडमिशन करवाना है मंडे से, कल मंडे है, तो सिर्फ फातिमा के लिए यही मैसेज भेजूंगा कि भाई आप जो है ना प्लीज़ बच्चों को लेके वापसी आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक तो मुसलसल बारिश चल रही है, दूसरा गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि उसकी वजह से जो है ना क्या कहते हैं बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और इस गर्मी में ऐसे जाना भी नहीं चाहिए था, ठीक है ना। तो बहरहाल आप गए हैं, आपके अपने काम हैं जो भी हैं, मुझे नहीं पता किस काम से गए हैं आप, किस काम से नहीं गए हैं, ठीक है। और मेरी सुबह इस बात का भी पतंगड़ बन जाएगा कि भाई जो है ना आप कौन होते हो ये बात करने वाले, लेकिन ये कि मुझसे पूछ के भी आप नहीं की थी, आपका फ़र्ज़ बनता था कि मुझसे पूछ के जाना चाहिए था। खैर जो भी है, इन बातों को तो मैं वो नहीं बड़ा कर रहा, लेकिन ये है कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप बच्चों को ले कर वापसी आएँ, ठीक है। जो भी काम है वो बाद में हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल बच्चों को ले कर आएँ, क्योंकि मैं अभी आया था तो अब्बू मुझे बता रहे थे कि ना वहाँ पे लाइट नहीं है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे भी जो है ना बहुत परेशान है और बार बार बोल रहे हैं कि कराची चलें कराची चलें, तो प्लीज़ आप उनको लेके वापसी आ जाएं क्योंकि बच्चे बीमार हो जाएंगे, इतना रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी मुझे पता है कि सुबह लोगों ने जो है ना मुझे धोना है तो बोलेंगे, वो मुझे वो भाई हर चीज़ का पता है कि आप लोगों ने क्या राय देनी है क्या नहीं देनी, वो मुझे हर चीज़ का पता है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि फ़िलहाल जो है ना बच्चों को लेके आप प्लीज़ आ जाएं, क्योंकि वहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हद से भी ज़्यादा, और गर्मी भी है तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, बस इतना बोलूँगा और कुछ नहीं। ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।